अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ इंजीनियर खलीकुर रहमान एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सी। व्यूअर्स, अंडरपास की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलते हैं, वीडियो का आगाज करते हैं। ये व्यूअर्स एंट्रेंस हमारी राउंड अबाउट की अंदर वाली साइड पे जो हमारी एंट्रेंस है वो है। इधर अभी हमारा जो स्टेज है इसका कंक्रीट वगैरह कम्प्लीट हो गई थी, अभी इसकी टाइल मार्बल जो का काम है वो रहता है। और ये हमारी साइड वॉल्स हैं, इनकी जो है हमारा पेंट वर्क चल रहा है और हमारा सीलिंग वर्क जो है इधर इसका ये मुकम्मल हो गया है। इसी तरह ये हमारा जो रैंप है ये उसकी एंट्रेंस है, इसके जो है अभी टाइल वर्क चल रहा है। ये ग्लास है, ये हमारी रोशनी के लिए हमने इधर से बाहर आर्चीज है हमारे जो टाइल लगी हुई हैं। बाहर वाला व्यू भी एक दफा आप दिखा दें, और अंदर ये इसकी टाइल्स लगी हुई हैं। अभी जो ये पोर्सिलिन टाइल है हमारी रैंप में, ये नॉन स्की टाइल है क्योंकि हमारा ये स्लोप में है रैंप सारा। तो इसकी ये है कि इसका जो है इसका थोड़ा तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पोर्सिलिन टाइल है और ये इको बॉन्ड के साथ हम लगा रहे हैं। तो ये इसके लिए सबसे पहले बेस बनानी पड़ती है, बेस बना के 24 to 36 आवर के बाद फिर हम इस पर कोई चिकनाई कोई ऐसी सरफेस रफ नहीं होनी चाहिए, साफ़ करके इसको हम बॉन्ड की मदद से आप ये इसको सबसे पहले ले करते हैं। फिर ये दरमियान ये स्पेसर आप देख रहे हैं, ये स्पेसिंग इसके बाद फिलिंग होती है इसकी। तो लगाने के लिए ये गरमाला जो है इसके ये आप दिखा दें, गरमाला उठा के ये इस पर देखें ये बने हुए हैं। इन ग्रूव्स की मदद से इसको हम रफ़ कर लेते हैं इसका स्प्रेड करने के बाद। फिर हम ये स्पेसर लगाते हैं और ये रबर हैमर है इसकी मदद से इसको हम बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के बाद फिर ये साथ स्पेसर एडजस्ट कर देते हैं ताकि इनकी अलाइनमेंट जो है वो यूनिफॉर्म रहे। ये बहुत एंट्रेंस है, इधर से अभी ये प्लांटर की भी जो है वो वर्किंग अभी पेंट वर्क इस पर भी चल रहा है। और ये हमारी आप देख रहे हैं फ्लोर है, ये हमारी टाइल्स हैं इसकी हमने ले कर दी थी और अभी इनकी फिलिंग चल रही है। ये आपके सामने देख लेंगे, ये फिलिंग पेस्ट है, इसको अच्छी तरह हम ब्रश से साफ करके और फिर ये बिल्कुल क्लीन करके सरफेस इसको हम, ये हमारे पास ग्राउट है, इसको फिलर भी हम कहते हैं, ग्राउट भी है। ये जो हमारी टाइल है उसके साथ कलर मैच करके फिर इसको हम इन के अंदर भर देते हैं, उसके बाद फिर इसकी सफाई कर देते हैं ताकि वो स्टिक ना करे। अभी ये हमारा सीलिंग वर्क और लाइट्स वगैरह सारी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई हैं और आर्चिस का जो पेंट वर्क है, टाइल वर्क है, प्लांटर्स का जो है मार्बल है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसमें प्लांटेशन हमारी रहती है और कुछ हमने लाइट्स ऑन भी की हुई हैं और ये राइट लेफ्ट दोनों तरफ हमारी ये टाइल्स वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी इस पोर्शन में हमारी टाइल जो है वो रहती है लगने वाली और ये हमारा जो है सर्विस कॉरिडोर है, इधर अभी वर्किंग हमारी चल रही है।
इधर हमारी अभी फ्लोर वर्क और केबल डक्ट केबल का काम अभी पेंडिंग रहता है। ये हमारा रोज एंट्रेंस है, इधर से एनर्जी सेंटर जो हमारा है उसकी मेन एंट्रेंस है। इधर अभी काफ़ी वर्किंग चल रही है हमारी। ये हमारा अंडरपास की मेन एंट्रेंस है। अंडरपास से इधर पे हम एंटर होंगे और वो राउंड अबाउट वाली साइड की एंट्रेंस है। ये इधर वाली एंट्रेंस है हमारी एनर्जी सेंटर की। इधर हमारा सीलिंग वर्क का भी होगा, पोर्शन हमारा चल रहा है। एंट्रेंस है, इधर नीचे जो हमारी हैं उनकी टाइल वगैरह लग रही है। इधर अभी प्लास्टर का काम भी रहता है और सीलिंग वर्क भी हमारा रहता है और पेंट वर्क भी रहता है। तो इसी तरह ये वाशरूम वगैरह है, ठीक है। जैसे ही मतलब कि आगे फर्दर वर्किंग हमारी इसकी होती है कंप्लीट एंट्रेंस की, तो एनर्जी सेंटर पर मैं ज़्यादा एक वीडियो बनाऊँगा सारी, उसके अंदर ये सारा इसको एनर्जी सेंटर पे जो हमारी वर्किंग हो गई है और हो रही है उसके अंदर सारी मैं ब्रीफिंग हुआ। तो अंडर पास की जो मजीद हमारी जो वर्किंग जो फाइनल कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा इसका अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह।